दोस्तों वरुण धवन, कृति सनन, दीपक डोबरियाल, अभिषेक बनर्जी और सौरभ शुक्ला की फिल्म भेड़िया 25 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। स्त्री और बाला जैसी फिल्में बनाने वाले अमर कौशिक ने भेड़िया को डायरेक्ट किया है, जिसकी शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक रही है। दोस्तों भेड़िया को लेकर प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि ये फिल्म बेहद धीमी शुरुआत करेगी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तो आइए बताते हैं कि भेड़िया ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का कलेक्शन किया। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको मूवीज, स्पोर्ट्स और म्यूजिक से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम रोजाना इन सभी टॉपिक्स पे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भेड़िया को लेकर लगातार ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि वरुण धवन के लिए अजय देवगन की दृश्यम 2 मुसीबत खड़ी कर सकती है, और ऐसा होता हुआ दिखा भी, क्योंकि पहले दिन के भेड़िया के कलेक्शन के आंकड़े देखे तो उस पे दृश्यम का असर दिखा भी। भेड़िया ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन ठीक ठाक ओपनिंग की है। दोस्तों आपको बता दें कि भेड़िया ने हिंदी बाजार में पहले दिन 6.75 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसे सबसे ज्यादा दिल्ली, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी जैसे शहरों से अच्छी खासी कमाई की है। दोस्तों बात करें बस दिल्ली और यूपी से, तो इस मूवी ने दिल्ली और यूपी से 1.50 करोड़ का कलेक्शन किया है और मुंबई मार्केट से इसने 2 करोड़ का कलेक्शन किया है। वहीं वरुण धवन ने बताया कि उनकी फिल्म भेड़िया ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड 12.5 करोड़ का कलेक्शन किया है। दोस्तों अगर हम बात करें भेड़िया और दृश्यम 2 की, तो आखिर दोनों में से कौन सी मूवी ने बाजी मारी, आइए अब ये जानते हैं। दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर पिछले हफ्ते रिलीज हुई दृश्यम 2 का कहर इस कदर जारी है कि इसने 100 करोड़ के आंकड़े को छू लिया है, और दृश्यम ने अपने ओपनिंग डे पर लगभग 15 करोड़ की कमाई की थी, और जिस दिन भेड़िया रिलीज हुई उस दिन भी दृश्यम ने भेड़िया से ज्यादा कमाई करते हुए 8 करोड़ कमाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।